गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 डिवीजन ऑफ ए नंबर। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को जो है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 21 है और उससे जो है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है बिजनेस मैन बाइज 14 बास्केट ऑफ एप्पल्स इज कंटेनिंग 425 एप्पल्स। अनदर बिजनेस मैन बाइज 21 बास्केट इच कंटेनिंग 295 एप्पल्स। तो हाउ मैनी मोर एप्पल्स डज द सेकेंड बिजनेस मैन बाई देन द फर्स्ट। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, एक बिजनेस मैन जो है, पहले कह रहा है कि बिजनेस मैन क्या है, 14 बास्केट ऑफ एप्पल्स क्या करता है, खरीदता है और उसमें प्रत्येक जो है इच कंटेन्स 425 एप्पल्स। और दूसरा बिजनेसमैन क्या करता है, दूसरा बिजनेसमैन जो है वो 21 बास्केट एप्पल खरीदता है और इच कंटेनिंग 295 एप्पल्स। तो अब इसमें स्टूडेंट बताना है कि हाउ मैनी मोर एप्पल्स द सेकेंड बिजनेसमैन बाय द फर्स्ट। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि फर्स्ट बिजनेसमैन जो है ने कितना एप्पल खरीदा। तो वो क्या है, 14 टोकरी के यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और इच कंटेनिंग, तो यहाँ पर लिख कर और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बॉक्स में आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 5950। और स्टूडेंट फिर जो है उसी तरीका से अनदर बिजनेस मैन है, तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाय द सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है 295 और ये कितने बास्केट कटता है 21, तो यहाँ पर रखकर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अपने मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी एप्पल्स डज द सेकेंड बिजनेस मैन बाय द फर्स्ट। तो सेकेंड बिजनेस मैन जो है कितना अधिक खरीदता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसके लिए जो हम लोग को माइनस करना, तो माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 245। स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द सेकेंड बिजनेस मैन बाइज 245 एप्पल्स मोर देन द फर्स्ट। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द ओकेजन ऑफ ए क्रिसमस ए प्रीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड 984 स्वीट्स इक्वली अमंग 164 पीपल। Another priest distributed 656 sweets equally among those people. The spirit, how many sweets did each person get all together? The spirit इसमें क्या है, क्रिसमस के अवसर पर क्या होता है, एक priest जो है वो क्या करता है, वो जो है 984 sweets जो है 160 people में जो है distribute करता है equally। उसके बाद फिर दूसरा प्रिस्ट क्या करता है, दूसरा प्रिस्ट जो है वो 656 स्वीट्स जो है उन्हीं पीपल में जो है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस पीपल। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करना है, यहाँ पर करना है हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच पर्सन गेट ऑल टुगेदर। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले निकालना है कि नंबर ऑफ ए स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द फर्स्ट प्रिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो है क्या होगा 6, यहाँ पर रफ में आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो ये 6 हो गया। और फिर जो है यहाँ पर अनदर प्रिस्ट है, तो वो क्या करता है 656 उन्हीं पीपल में क्या करता है, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो स्टूडेंट इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिवाइड कर लेना है और फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट बताना है कि हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच पर्सन गेट ऑल टुगेदर। तो इसमें क्या होगा, 6 स्वीट जो है वो फर्स्ट प्रिस्ट ने दिया और 4 स्वीट जो है वो सेकेंड प्रिस्ट ने दिया, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर दोनों को प्लस करना है तो मिलकर कितना होगा 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ईच पर्सन गॉट 10 स्वीट्स। तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए, आई होप, थैंक यू। आप लोगों को जो है होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 21